जो दुनिया में कोई नहीं करा सका वो भारत ने कर दिखाया। दो धड़ों में बटी दुनिया को नई दिल्ली ने एक कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल हो चुके हैं। शीत युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में सबसे तीखा मतभेद इसी मुद्दे पर देखने को मिला। अमेरिका ने यूक्रेन के समर्थन में रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी होती रही और जानकार ये आशंका जताने लगे कि अमेरिका और रूस शीत युद्ध के दौर में वापस लौट रहे हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच बेहद खराब संबंधों के दौर को शीत युद्ध कहा जाता है, लेकिन भारत की धरती पर ऐसा कारनामा हुआ जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 समिट में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बाद से ही दोनों देशों ने कभी भी एक मंच साझा नहीं किया था। इस मुलाकात के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन ने कहा, मैंने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में थोड़ी देर बातचीत की। मैंने उनसे कहा कि वो रूस के गैर जिम्मेदाराना तरीके से परमाणु हथियारों से जुड़े समझौते को तोड़ने पर पुनर्विचार करें। ये समझौता परमाणु हथियारों के अनियंत्रित प्रसार को रोकने के लिए है। दोनों देशों को आपसी समझदारी से इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। दुनिया के बाकी देश भी हमसे यही अपेक्षा करते हैं। मैंने उनसे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि और क्या घटनाएं हो रही हैं, चाहे दुनिया में चाहे हमारे आपसी रिश्तों में, लेकिन अमेरिका हमेशा से परमाणु हथियारों पर समझौते और बातचीत को तैयार है, जैसा हमने शीत युद्ध के चरम दिनों में भी किया था। वही रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इस मुलाकात पर एक बयान जारी किया जिसमें लिखा गया, अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकेन ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से G20 बैठक के दूसरे सत्र में संपर्क करने की कोशिश की। वो आपस में मिले जरूर, लेकिन कोई भी द्विपक्षीय बातचीत या पूर्ण बैठक जैसी चीज नहीं हुई। वही अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इस मुलाकात पर लिखा, 10 मिनट से भी कम देर की बातचीत में ब्लिंकेन ने रूस से न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी को दोबारा शुरू करने और अमेरिकी नागरिक पॉल वेलन को छोड़ने की मांग की। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के एक साल बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ने अपने रूसी समकक्ष लावरोव से मुलाकात की। ब्लिंकेन और लावरोव ने दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में एक दूसरे से बातचीत की। भारत इस मुलाकात का जरिया बना। दोनों देशों के बीच एक सेतु का कार्य भारत ने किया। एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर कहा, बिल्कुल, इस बैठक में रूस यूक्रेन मुद्दे पर कुछ मतभेद थे। हम इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सहमत नहीं कर पाए हैं, लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट पश्चिमी देशों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। भारत लगभग एक साल से इस मुद्दे को उठा रहा है। आज मैंने अपने भाषण में कहा भी कि यह ग्लोबल वेस्ट के लिए करो या मरो वाली स्थिति है, चाहे वो तेल की कीमतों की बात हो, खाद्य सामग्री की या बुनियादी चीजों की। अगर हम इस संघर्ष को नहीं सुलझाते हैं तो इसका परिणाम पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। हमारी बातचीत में 95% मुद्दों पर सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ मुद्दे जिसमें यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट प्रमुख है उस पर सभी पक्षों की एक राय नहीं बन पाई है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की यह बातचीत बहुत बड़ी घटना है। भारत में इस मुलाकात के मायने भी विशेष हैं। G20 समिट ने भारत की लीडरशिप को ग्लोबल एक्सेप्टेंस दिलाई है। इस लिहाज से रूस और अमेरिका के बीच बातचीत का भारत में दोबारा शुरू होना भारत के भी ग्लोबल कद को काफी बढ़ाता है। टाइम्स नाउ नव भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।